बरेली के शाहमतगंज क्षेत्र में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बैन पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान दो दुकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में पॉलिथीन पकड़ी गई। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पॉलिथीन बैन होने के बावजूद व्यापारी इसे बेच रहे हैं, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। इस दौरान बताया गया कि जिन दुकानदारों के पास पॉलिथीन मिली है उन पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि आगे प्रतिबंधित पॉलिथीन अगर बेचते मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम बरेली का अभियान चलाया है। मेरा नाम कर्नल सुधीर भोला है और इधर पूरा दुकान में बैंड पॉलिथीन पकड़ा गया है, जो जब्त किया जा रहा है और इनको फाइन लगाया है और इनको बोला है आगे से ये बैंड पॉलिथीन नहीं रखते। कितना करीब मात्रा में पकड़ा गया? ये करीब काफ़ी है, पूरा दुकान, दो दुकान पूरा भरा हुआ है, 25 क्विंटल से ज़्यादा हुआ।